गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है आज क्या है, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे पे आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा मस्ती करते हैं। मस्ती मतलब कुछ जानना जरूरी है, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और थोड़ा जो है कार्यक्रम कर लेते हैं अपना, क्योंकि कॉलेज का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आप लोगों के साथ भी कार्यक्रम हो जाए थोड़ा बहुत। तो टीचर्स डे, शिक्षक दिवस कोई बता सकता है क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, जो कि कांग्रेस की स्थापना से 3 वर्ष बाद हुआ था। हमेशा सन ऐसे याद रखना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना एक तरीके से सबको याद होगी कि 1885 में हुई थी, तो उसके 3 वर्ष बाद यानी 1888 में। हम अपने पढ़ाई के उसमें भी ऐसे ही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सन वगैरह आप लोगों को याद रहे। हमेशा इमेजिन करके जो है चित्र बना करके दिमाग में जब आप फिगर बना करके याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो 1888 को, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। हुआ ये था कि ये जिस यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति बनने से पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, तो जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सोचा कि अपने गुरुजी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें, इनका जन्मदिन था, तो गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर। तो उन्होंने कहा, बच्चों मेरा जन्मदिन अगर आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा और पहला शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इत्तेफाक देखो, 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए जो है शिक्षक दिवस तभी से शुरू हो गई परंपरा, क्योंकि इन्होंने, अब देखो सभी भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं जो भी संगठन होते हैं सबके अपने अपने क्या होते हैं, दिवस होते हैं। और वैसे भी फालतू दिवस बहुत हैं, कहीं जो है वैलेंटाइंस डे है, तो कहीं रोज डे है, कहीं हग डे है, जाने क्या क्या डे होते हैं। तो फिर एक शिक्षक का भी दिन एक होना चाहिए, तो शिक्षक का भी दिन है, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। तो आज हम लोगों का दिन है आज जो है। अब शिक्षक देखो, सबसे पहले जो शिक्षक है आपकी माँ है, माँ सबसे पहले शिक्षक है, और आपके गार्जियन माता और पिता, और पिता दूसरा शिक्षक होता है आपके जीवन का। दूसरा शिक्षक कौन है? पिता है। पहली शिक्षक कौन है? माँ है। और तीसरा शिक्षक जो आपका गुरु है वास्तव में, वो होता है शिक्षक होता है। क्योंकि माँ, जब आप पैदा होते हो तो आप रोते हो, पैदा होते हो, जब बच्चा एक पैदा होता है, जन्म लेता है तो वो रोता है, लेकिन जो है माँ को और गार्जियन को आपके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप तो उस समय रो रहे होते, लेकिन खुशी किसको होती है? आपके घर वालों को, गार्जियन को बहुत खुशी होती है। और आपको सबसे अच्छी तरीके से कोई जानने वाली है तो आपकी माँ है, क्योंकि हम जो भी आपके बारे में जानते हैं जब से आपने हमारे एडमिशन लिया है उसके बाद से जानते हैं। और माँ आपको 9 महीने पहले से जानती है, आपके जन्म तिथि से 9 महीने से पहले से जानती है माँ आपको। तो इसलिए जो है माँ सबसे बड़ा गुरु है अगर इस संसार में किसी बच्चे का, तो वो माँ ही है। लेकिन क्योंकि माँ तो एक आपको जो है एक संरचना दे दी, पृथ्वी पर जन्म दे दिया, लेकिन उसको आकार कौन देता है? एक शिक्षक देता है। शिक्षक जिस तरीके से आकार देगा वैसे ही बच्चा जो है बनेगा। तो इस तरीके से एक मैं यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों को मैं यहाँ पर जो है सुनाना चाहूँगा। जो है वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने, हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य हैं, हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य बने। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं इतिहास बदल देंगे, अरे हम भी किसी से कम तो नहीं इतिहास बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। रही गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। रही गुरु की सबसे ऊंची महिमा, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ, बाइबिल, पुराण और गीता। यही सिखाते गुरु ग्रंथ, बाइबिल,
पुराण और गीता। जला ज्ञान का दिया अंधेरी रात बदल देंगे, जला ज्ञान का दिया अंधेरी रात बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। ताक रही भारत माता आशा भरी निगाहों से, ताक रही भारत माता आशा भरी निगाहों से, नहीं भारत माता जो है हमारे ऊपर आशा भरी निगाहों से बदल रही है कि नन्हे मुन्ने बच्चों की तकदीर बदलनी है आपको। एक शिक्षक से भारत माता आशा करती है। भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में, भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में, प्रण लेते हर हाथ की हम लकीर बदल देंगे, प्रण लेते हर हाथ की हम लकीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, हम शिक्षक हैं हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। सौंप दिया है भाग्य वतन का सबने अपने हाथों में, सौंप दिया है भाग्य वतन का सबने अपने हाथों में, यानी शिक्षक के हाथों में जो है जो भारत माता के बच्चे हैं उनका हाथ सौंप दिया गया है। श्रद्धा और विश्वास दिया है सबने अपने हाथों में, श्रद्धा और विश्वास यानी जो गार्जियन से उन्होंने गुरुओं पर श्रद्धा और विश्वास, इस विश्वास की लाज बचा संसार बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, हम शिक्षक हैं हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। तो एक शिक्षक के लिए पंक्तियाँ सुनी है, एक शिक्षक इस तरीके से ये है हो सकता है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी, इस मतलब इस वक्त तक को सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है कि एक बार जो है एक भक्तन थी, विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्तन हुआ करती थी और वो डेली भोग लगाती थी, भगवान जी के कपड़ों को बदलना, उनको भोग देना, मंदिर में जो है सब कुछ किया करती थी। तो एक बार की बात है, एक ठग वहाँ से गुजरा, वो डेली रूटीन में था उसका, उस घर के सामने से गुजरता था और देखा करता था कि बहुत भोली भाली भक्तन है और भगवान के भक्त में हमेशा जो है लीन रहती है, तो क्यों ना इसको ठगा जाए, भोली भाली है तो ठगा जा सकता है। तो उसको ठगने के लिए उसने प्लान बनाया और अपना चोगा बदल दिया। क्या बन गया? साधु बन गया, महात्मा बन गया। देखो यहाँ पर चोगा बदलना तो आसान है, लेकिन जो वास्तविक साधु है, जो वास्तविक स्वरूप है, उस तरीके से रहना, उसमें बने रहना कठिन है। रावण भी आपने देखा, रावण किस तरीके से एक साधु के वेश में आता और सीता का हरण कर ले जाता है। क्या रावण जो है साधु था? नहीं था। तो चोगा बदल करके अपना स्वरूप बदल लेना ये तो आसान है, लेकिन वास्तव में जो है जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का स्वरूप में जो है रहना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर साधु वेश में आता है, सन्यासी वेश में आता है, वो ठग जो है और उस भक्तन के दरवाजे पे आता है, कहता है कि माँ मुझे जल पिला दीजिए। भक्तन कहती है क्यों नहीं गुरु जी, जल बिल्कुल मिलेगा, जल लेके आती है घर से अंदर से। तो जो ठग था गुरु के रूप में, जो सन्यासी के रूप में था, उसने कहा क्या आपने दक्षिणा वो दीक्षा ली है आपने? तो बोला नहीं गुरुदेव, हमने तो कोई दीक्षा नहीं ली, हमारे अभी तो कोई गुरु नहीं है, हमने कोई दीक्षा नहीं ली है। तो कहा ठीक है, पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब हम आपके हाथ का जल ग्रहण करेंगे। तो गुरु जी आप ही दीक्षा दे दो। चलो ठीक है, आप दीक्षा आपको देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, घर में नहीं, यहाँ जो है ये सांसारिक माया है, यहाँ पर आप जो है हमारे साथ जंगल में चलिए, वीरान में चलिए, एकांत में चलिए, वहाँ पर हम दीक्षा देंगे। कि हमारी दीक्षा सभी को नहीं मिलती है, बहुत भाग्य वालों की मिलती है, तो और एकांत में देंगे। ठीक है गुरु जी, लेकिन जो भी गहने वहने हैं, जो भी संपत्ति है आपके घर में, गहने और जेवरात, वो सब बांध करके पोटली लेकर चलो मेरे पीछे। भोली भाली जो है चल लेती है वो भक्तन, लेकर के अपनी पोटली जो है उस साधु के रूप पीछे पीछे। अब जंगल में जाते हैं, तो जंगल में उस साधु ने भक्तन को बांध दिया है एक वृक्ष में, रस्सी से बांध दिया और पोटली ले लिया और बोला जब तक मैं ना खोलूँ तब तक जो है बंधी रहना। ठीक है गुरुजी, विश्वास किया आप, अब मैं जा रहा हूँ, अब दीक्षा आपको मिलेगी, अभी यहीं से भी दीक्षा शुरू हुई है, ये पहली पाठशाला है दीक्षा की, आपको मैं बांध करके और चल रहा हूँ। पोटली ले कर चला गया। अब शाम ढली, घर में पिताजी परेशान कि बेटी गई तो गई कहाँ, अब धनवान घर की बेटी थी, सारी जो है जेवरात लेकर चली गई थी। तो पिताजी अपना
शाम ढलने के बाद रात को घोड़े बैठते हैं और चल देते हैं ढूंढने, जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो उनकी बेटी जो है बंधी हुई है पेड़ों में। कहते हैं बेटी लाओ मैं खोल देता हूँ, घर चलो रात हो रही है। नहीं 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 आप जरूर मेरे पिताजी हैं, आपको नतमस्तक हूँ मैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने बांधा है तो मैं गुरुजी से ही खुलवाऊंगी, आप जाइए। बहुत मेहनतें करते, अरे वो गुरु नहीं रहा होगा तुम्हारा, देखो सारा सोना चांदी जेवरात लेके चला गया, ठग होगा कोई तुमको बांध कर चला गया है। नहीं नहीं मैं तो उन्हीं के हाथ जो है कह गए हैं गुरुजी, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम बंधन में बंधी रहना, तभी दीक्षा पूरी होगी। तो पिताजी चले जाते हैं, बहुत थक हार करके मना करके नहीं मानती है। अब यहाँ विष्णु भगवान के मंदिर में भोग लगना बंद, कपड़े बदलना बंद, नहलाना धुलाना बंद हो गया। तो भगवान बहुत परेशान होते हैं कि हमारी जो भक्तन थी, सेवा कर रही थी हमारी, वो कहाँ चली गई। तो वो नारायण को बुलाते हैं, नारद जी को बुलाते हैं कि देखो नारद जा करके पता करो कहाँ गई हमारी भक्तन, गायब है 3-4 दिनों से नहीं है। तो नारद जी ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि उनकी भक्तन जो है एक जंगल में पेड़ के नीचे बंधी हुई, एक ठग उनको बांध करके चला गया। तो बता दें भगवान आपकी भक्तन तो पेड़ में बंधी हुई, एक ठग बांध करके चला गया। कहते जाओ खोल, मुक्त करो उसको, खोलो। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चल देते हैं अपने उसी रूप में, वेश में, नारायण के वेश में ही, उसमें जो है नारद के वेश में ही। तो जब वहाँ पहुँचते हैं कहते हैं बेटी देखो मैं हूँ, मुझे पहचाना? तो बोले हाँ आप महर्षि नारद जी हैं, तो मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ। अरे नहीं नहीं आप मेरे आराध्य हैं, आपकी श्रद्धा है, आपके लिए पूजा है, लेकिन मैं तो मुक्त जो है अपने गुरु जी के हाथों ही होंगे, गुरु जी जब खोलेंगे तभी बंधन से मुक्त होंगे। नारद जी बहुत परेशान, नहीं खुलवाती है। अब नारद जी चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, कहते हैं भैया आपकी भक्तन जो है तैयार नहीं है, वो कह रही कि हम तो अपने गुरु जी के हाथों ही जो है खुलेंगे, और गुरु वो कहा तो ठग था। तो स्वयं नारायण चलते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जाते हैं नारद जी के साथ में वहाँ पर, और वही साक्षात रूप में अपना चतुर्भुज जो है, वही जो रूप है उनका स्वरूप है चतुर्भुज वाला, उस स्वरूप में वो पहुँचते हैं और कहते हैं वत्स मैं स्वयं आ गया हूँ और अब तो खुलवा लो। कहते हैं आप मेरे आराध्य हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, लेकिन मैं मुक्त तो अपने गुरु जी के ही हाथों होंगी, और आपकी श्रद्धा हमारे लिए जो है सर्वोपरि है, लेकिन गुरु जी ही जब तक खोलेंगे नहीं तब तक मैं बंधन मुक्त हूँ। अरे वो गुरु नहीं था, ठग था जो है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मुक्त हो जाओ बेटी। नहीं नहीं गुरु जी जब तक नहीं आएंगे, वो कह कर गए हैं जब तक मैं नहीं लौट कर आऊँगा तब तक मैं तुम्हें जो है खुलना नहीं है। अब भगवान परेशान नारायण से उसे नारद जी से कहते हैं देखो नारद जी जाकर ढूंढो कहाँ है, पता करो, उसको पकड़ के लाओ, ठग को, कहीं ठगी कर रहा होगा, चोरी ढकैती कर रहा होगा। तो वास्तव में नारद जी पहुँचते हैं वहाँ पर ठग के पास में, कहते चल जिसको बांध कर आए खोल उसको, चल करके। डरते कांपते पहुँचता है वहाँ और जो है मुक्त करता है, जा करके भगवान को प्रणाम करता है और जो है अपनी भक्तन को, वो जो है अपनी शिष्या को, चेली को मुक्त करता है। तो जो है यहीं पर ये वक्तव्य बना है, वो कहती है जो है भक्तन कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए, उन्हीं की वजह से आपने मतलब इस हमारी, चाहे गुरु चाहे हमारे जो है जैसा भी रहा हो, लेकिन इस गुरु ने हमको जो है गोविंद से मुलाकात करा दिया, नहीं तो हम इतने दिनों से जो है मंदिर में तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, गोविंद हमको नहीं मिले, और लेकिन एक गुरु ने ही हमको जो है गोविंद से मिलाया। बेशक वो गुरु ठग था, चोर था, लेकिन श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी इस गुरु में कि जो है गोविंद ने हमें मिला ही दिया। तो वहीं से बना है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, तो गोविंद को उन्होंने मिला दिया। तो इस तरीके से जो है ये कहानी थी। इसलिए यहाँ इस बात से कहने का मतलब ये है कि गुरु किसी को भी मानो, हमेशा देखो जो है गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। गुरु जो है एक ऐसा शब्द है, गुरु का मतलब होता है भारी, गुरुत्वाकर्षण से बना है ना, गुरुत्वाकर्षण वाला गुरु। तो अब गुरुत्वाकर्षण किस में होता है, जो तुमसे भारी होता है वही तो गुरुत्वाकर्षण होता है। ये सब ब्रह्मांडीय पिंड जितने भी हैं सब में गुरुत्वाकर्षण है। तो अगर आपसे कोई भारी है किसी चीज़ में, ज्ञान में या किसी चीज़ में, तो आपका गुरु होगा, कभी अहित नहीं चाहेगा, हमेशा हित ही चाहेगा। तो ये कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ये
कहानी थी और इस कहानी के माध्यम और भारत विश्वगुरु क्यों बना, ऐसे बहुत सारे रोचक कहानियां हैं विश्वगुरु बनने के पीछे भारत में। समय कम है, बच्चे आने लगे हैं, नहीं तो बहुत सारी बातें जो है की जाती। अब सबसे पहले आप लोगों को जो है हम यहाँ पर कुछ छोटे से अपना गिफ्ट के साथ में जो है सेलिब्रेट करेंगे शिक्षक दिवस। तो एक एक दिन आते जाइए और जो है यहाँ पर अपना एक पुरस्कार स्वरूप जो है चिन्ह लेते जाइए, आते जाइए। सब लोग तालियां बजाते रहिए और आकर के जो है सम्मान। थैंक यू। अरे बजाइए, ताली बजाइए सब लोग। हाँ सब आएंगे। अरे तो तालियों में कमी नहीं। आज कार्यक्रम होगा कॉलेज में, मन संचालन मुझे ही करना है और एक बहुत अच्छा बेहतरीन नाटक तैयार करवाया है मैंने बच्चों का, अगर देखना होगा तो अपना हाँ आ जाना देख लेना।